बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से क्रोशे ग्लास कवर्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिक्स सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद जो फर्स्ट स्टिच था उसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है और इसी तरह के 3 और राउंड्स हमने बनाने हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से हर स्टिच पे एक एक स्टिच लगा के हर राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और लास्ट में उसको स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमने 4 राउंड्स कम्प्लीट करने हैं और 4 राउंड्स में हमने हर राउंड में 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने इन 6 सिंगल क्रोशेस के ऊपर हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। हर स्टिच पे हमने ये देखें 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। पहले के 4 राउंड्स में हमने हर राउंड में 6 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, लेकिन 5th राउंड में हम हर स्टिच के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे और इस तरह से हर स्टिच को इंक्रीज करते हुए इस राउंड के एंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे। तो ये देखें 12 सिंगल क्रोशेज बनाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई है और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया था उसके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 5 को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद राउंड 6 स्टार्ट करेंगे एक चेन बना के। और राउंड 6 में हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से और उससे नेक्स्ट वाले पे 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो राउंड 6 में हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। एक स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उससे अगले वाले पे 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से 2-1-2-1 सिंगल क्रोशेस बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है और इस राउंड के कंप्लीट होने पे हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे ये देखें। और फिर इस राउंड को भी हमने फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हमने एक चेन से ही स्टार्ट करना है और फर्स्ट के जो 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने 1-1 सिंगल क्रोशेस बनाना है और उससे नेक्स्ट वाले पे यानी कि 3rd वाले पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं ठीक है। फिर देखें 2 स्टिचेस पे हमने 1-1 सिंगल क्रोशे बनाना है और 3rd वाले पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से 1-1-2-1-1-2 ये हमारा इस राउंड का पैटर्न रहेगा और इस राउंड के एंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे और फिर इसी तरह से उसको स्लिप स्टिच के साथ हम ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस तरह से हर राउंड में हमारे 6-6 स्टिचेस इंक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे देखें, राउंड 5 में हमने 12 सिंगल क्रोशेज़ बनाए थे, उससे नेक्स्ट वाले पे 18 सिंगल क्रोशेज़ बने और उससे नेक्स्ट वाले पे 24 सिंगल क्रोशेज़ बन गए। तो अब नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करते हैं एक चेन बना के, और इस राउंड में हमने 3 टाइम्स सिंगल क्रोशेज़ बनाने हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे, और फोर्थ वन पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हम 6 स्टिचेस और इंक्रीज़ कर लेंगे और इस राउंड के एंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे। ये देखें, ठीक है। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट 4 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। 4 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिफ्थ वन पे हमने 2 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्लास कवर जो है वो हर राउंड में 6-6 स्टिचेस इंक्रीज़ होता जाएगा, और जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें आप उसके राउंड्स को इंक्रीज़ करते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखें, फिफ्थ राउंड में 12 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 24, फिर 30, फिर 36 और फिर 42 सिंगल क्रोशेज़ बनाने के बाद अब मैं सेकंड लास्ट राउंड बनाऊंगी इस ग्लास कवर का, जिसमें ये वी स्टिचेस बनेंगे। और इस वी स्टिचेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं 4 चेन्स बना के इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, 1 चेन और एक डबल क्रोशे बना लूँगी। तो इस तरह से एक स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले पे हमने वी स्टिच बनाना है। और वी स्टिच कैसे बनता है, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। तो इस पैटर्न को रिपीट करना है हमने, और ये सेकेंड लास्ट राउंड इस ग्लास कवर का हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारा सेकेंड लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, और एक एक स्टिच को स्किप करके हमने हर स्टिच पे वी स्टिचेस बनाए हैं। और अब हम इस ग्लास कवर का लास्ट राउंड बनाएंगे, और लास्ट राउंड में हमने पिकोट्स बनानी हैं हर वी स्टिच पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस वन चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बना के उसके ऊपर हम 3 चेन्स की एक पिकोट बनाएंगे। 3 चेन बना के जो फर्स्ट चेन है उसमें से हमने एक स्लिप स्टिच लगा के और फिर उसी स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है कि हर वन चेन स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, एक पिकोट बनानी है और फिर उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से करते हुए हमारा ये ग्लास कवर का लास्ट राउंड भी कंप्लीट होता जाएगा। ये देखें, हर वी स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 चेन्स बनानी है और उसको फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके एक पिकोट बना लेनी है और फिर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यही पैटर्न हमने इस लास्ट राउंड में रिपीट करना है। हर वन चेन स्पेस में हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है, 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन पिकोट और 1 सिंगल क्रोशे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये क्रोशे ग्लास कवर्स कैसे लगे। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल एंड में आपने
जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके वूल को कट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।